मैं सोच रहा हूँ कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको। सर आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप, क्या हुआ अभी इन्होंने क्या किया है आप सबने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है, कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो लोको जो ड्राइवर कहे जाते थे उन, वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं, पर डे इनको इस चीज का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां है सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है, ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी, अदरवाइज सर हम लोग 10-12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर, और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती। आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, वैसे हम लोग खुश होकर, आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें, गलती भी नहीं कर सकता सर, एक नींद आ जाए, वैसे जनरल आदमी रेस्ट कर रहा हो तो एक बार आराम कर लेता है, उसमें सर हम लोग गलती करते तो एक्सीडेंट होता है, जैसे आजकल हो रहे हैं, इतने प्रेशर में सर वर्किंग करा रहे हैं, हम लोग को सर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है, वो रेगुलर जो 16 घंटे का रेस्ट होता है नाइट और डे के बीच में, उसके अलावा केवल 14 घंटे का रेस्ट होता है। लोको पायलट की बड़ी कमी है सर, ना भर्ती होने के कारण हम लोगों के ऊपर इतना बोझ है सर कि क्या बताएं। जब देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज़्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सर एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार जो हर 3 महीने में शेड्यूल के लिए जाते हैं तो वो भी निकाल दिए जाते हैं। लोकोज हैं जिसमें एसी हैं या बिल्कुल नहीं? यस। कितने प्रतिशत में है एसी? वर्किंग 4-5%। तो मुझे दे दो आप ये। सर एक मिनट सर, आज की जो करंट पोजीशन है वो ये है कि हम ये एक लोको पायलट मेल पैसेंजर, सर अभी आपने एक आरोप लगा था कि इनसे लोग बाहरी लोग मिलने आए थे, सर ऐसा मीडिया में आया था कि जो भी गांधी जी से मिले थे वो बाहरी लोग थे, सर हम लोग लोकल हैं सुल्तानपुर के, बाहरी नहीं है, ये सारी मीडिया को पता होना चाहिए। ये सर 19 ट्रेन है जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही थी, लेकिन परसों प्रशासन ने एक आर्डर दिया है कि 1/8/2024 से ये ट्रेनें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के लोको पायलट कार्य करेंगे। हमारा परिवार सुल्तानपुर में है, हम यहाँ हैं, सुल्तानपुर लाबी को खत्म करने का पूरा प्रशासन 1 तारीख से